जब जब भाई फोन खोल रहा है तो दो चार सब्सक्राइबर भाई को दिख ही रहे हैं बढ़ते हुए। कन्हों को भपा करके ये गोल बनाए हुए है, और अब इससे बनेगा कन्हों का कापुलू। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बाहर बारिश लग रही है, सुबह जैसे हम उठे बाहर देखा कि बारिश लग रही है, पूरा मौसम पैक हो रखा है और ऊपर ऊपर डांडी कांटों में तो बर्फ भी लगने स्टार्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर बूढ़ी जी भी आई हुई थी, तो यहाँ पर अभी बैठे हुए चूल्हे पे दादी जी, बूढ़ी जी, शैलेश भाई और मैं। शैलेश भाई यहाँ पे वो बना रहे हैं, सूजी बना रहे हैं। बारिश लग रही थी, हमने कहा कुछ स्पेशल बनाया जाए। पहले हलवा बना रहे थे, गुलतिया बना रहे थे, तो थोड़ा बहुत सूजी भी बची हुई थी, तो इसने कहा सूजी बनाते हैं, क्योंकि सूजी थोड़ा सरल डिश है तो बनाने में भी इजी होता है, जल्दी भी बनता है। तो इसने आगे से मेरे को परेशान कर दिया, कसम से तीन चार बार भेज देता हूँ, बोल रहा हूँ। तो इसने फूंक दिया सारी सूजी, तो इसकी तमीज बिल्कुल नहीं है। आपने कई बार देख दिया होगा, परसों छह कर रहा था, नहीं छह कर पा रहा था, और मुंह बसता इसका बहुत ज्यादा। अभी देखो, उम्मीद है कि अभी जलाएगा नहीं। बहुत जिम्मेदार आदमी है, बहुत कलाकार आदमी है। तो तू अभी साल नहीं हुए जितने मैं खाना बोल रहा टाइम हुए। अच्छा, सदा सदा ले लिया कायूला बेल आइकन भी दबाऊं। हाँ, यही क्यों है? नई नवेली दुल्हन घूंघट, ये हमारी घोड़ी जिसका पैर पे कटा हुआ था, अब काफी सही हो चुका है। एक बार दिखाता हूँ इसका पैर में आपको। ये कोटो काटे थे ना बोल, ये देखो। तो अभी इसका पैर सही हो गया है, बाहर से मतलब पूरा, ये देखिए पूरा सही हो चुका है बाहर से, लेकिन अंदर इसका फिर से मतलब वो सूजन आ रही बहुत ज्यादा अंदर से। तो मेरे को लगता है कि अंदर इसका पक चुका है, क्योंकि टीन से कटा था तो टीन से बहुत ज्यादा पकता है। तो अभी इसको हम काफी टाइम से जंगल नहीं लगा रहे हैं। ओए गोड़ी, हाँ टीका ले, अरे लाइट से दिक्कत आ रही शायद इसको। सो हे गाइस, सूजी अभी बन चुकी है। ए बाबा, तो घी घी का डब्बा निकाल तू। अबे घी मला मरी जल, कसम से गाइस। तो अभी बाहर का मौसम देख सकते हो, पापा जी कल की वीडियो देख रहे हैं, जो कल वाली, जो जाग देवता वाली वीडियो, जैसे मैंने जाग देवता नचाया था। तो अभी पूरा मौसम पैक हो रखा, बादल बुदल लगे हुए हैं, वैसे भी बारिश की छोटी छोटी बूंदें आ रही। तो शाम को शायद ज़्यादा बर्फ़ है, ज़्यादा बारिश है सॉरी, तो शाम को क्या पता बर्फ़ भी आ सकती है, क्योंकि ऊपर तक आ गया। अभी यहाँ बादल लगे हुए इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो अभी कटोरी वटोरी ले आते हैं, थोड़ा नाश्ता नुश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो कुछ भी होता है, जिस तरह का मौसम रहता है। मौसम सही रहेगा तो थोड़ा बहुत चूना पेंट करेंगे, और मौसम सही नहीं रहेगा तो अंदर ही रहेंगे। ये देखिए इतना हो चुका था, अगर मौसम साफ रहता तो आज हमने ये करना था इधर का, बाकी इधर भी हो चुका है। ये नीचे जो नया रूम बना हुआ था वहाँ पे भी हो चुका है। तो दोस्तों अभी नाश्ता नुश्ता हो चुका है, तो अभी मौसम देख सकते हो। इससे पहले जो हमने आपको कर्नाली का जो राबड़ू बताया था, हमने जो खाया था, आपने जो देखा था, वो एक बार हम फिर से दोहराने वाले हैं। जब भी पापा रहते हैं ना तो नई नई डिशेज खाने का मौका मिलता है, क्योंकि पापा ही को याद रहता है ऐसी चीज़ों का। तो आज फिर से हम कंडाली का साग बनाने वाले हैं। पापा कंडाली लेने के लिए गए हुए हैं, हमको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इससे पहले हमको जो कंडाली मिली हम वो ले गए। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पे कंडाली बपाने के लिए रखा हुआ है। चौंस क्या बनून, कापुली बनून ले। तो साग ही बनाएंगे आज, कंडाली का साग बनाएंगे, क्योंकि राबड़ो हमने इससे पहले बनाया था। तो आज साग का टेस्ट देखेंगे किस तरह से बनता है। पुराने ज़माने में, दादी के ज़माने में, मतलब यही खाना था, इसी से पेट भरते थे, इसी से बाल बच्चे संभालते थे, सारा इसी से होता था। तो अभी फ़िलहाल ये भप रहा है, और जब तक ये भपता है, जब तक ये बनता है, तब तक हम थोड़ा सा बाहर काम करते हैं, क्योंकि अभी मौसम सही हो चुका है, तो थोड़ा बहुत पेंट पुंट का काम करेंगे। भाई पैर ठंडे हो गए, थोड़ा पैर सनाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा कन्हों को भपा करके ये गोल बनाए हुए है, और अब इससे बनेगा कन्हों का कापुलू। और इसमें ही देख सकते हैं, ये है भात रखा हुआ है, और फुल इसमें पानी भर रखा हमने, तो ऊपर ऊपर का जो पानी है उसको निकाल करके हम इसमें इकट्ठा करेंगे, और इसको बोलते हैं मान। तो मान छानेंगे, और उसके बाद इस मान से बनेगा कंडाली का साग। तो ये देखिए
दादी अभी इसे इसमें ये जो चावल है इसको इसमें डाल रही है, चावल का पानी इसमें डाल रही है। वे 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 सर बाद के बचन था चौजर का चाची हूँ। अरे मेरा हाथ गंदा भैया, तो मेरे हाथ गंदे हो रखे इसलिए मैं उसमें हाथ नहीं डाल सकता हूँ। मैं अभी थोड़ा पेंट कर रहा था तो दादी ने मान इसमें छान रखा है चौथे हजार ढाई लो, तो दादी ने थोड़ा चावल ज़्यादा डाल दिया इसलिए थोड़ा सा पानी की कमी पड़ गई, लेकिन कोई बात नहीं हो जाएगा। दादी हमारी एक्सपर्टीज़ सेफ जो कुछ भी बोल सकते हो आप, जो भी बोलते हैं खाना बनाने वाले कुछ। तो अभी दादी ने इसको खलड़े में पीसा है तो देख सकते हैं पहले किस तरह से था अभी किस तरह से हो चुका है। तो अब दादी इसको बनाने की प्रोसेस करेगी स्टार्ट। तो यही वाले डिश ना कंडाली का साग, एक दो हफ्ते पहले एक ब्लॉगर है प्रियंका योगी तिवारी हमारे उत्तराखंड की है तो उन्होंने बनाया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी हमारी दादी देख सकते हैं वही चीज़ बना रही है और अपने अपने तरीके से, उनका अपना अलग तरीका था हमारा अपना अलग तरीका है। हाँ पानी डाल जा गाढ़ू हूँ बहुत, तो थोड़ा गाढ़ा जैसा लग रहा है तो थोड़ा दादी को बोल रहा हूँ थोड़ा पानी डाल दो क्योंकि भात खाना है, भात में थोड़ा सा तरी वाला चाहिए ही चाहिए। यही का अच्छा। तो दादी जी कह रही है कि जो ये कंडाली है इसमें हमने आटे को मिला करके इसको गूंद करके इसकी रोटी भी बनाई हुई है। तो दोस्तों अभी आपको शैलेश भाई थोड़ा एक्साइटेड दिख रहा होगा, तो जो कल वाली वीडियो थी ना उसमें आपने बहुत अच्छा सा रिस्पांस दिया है और अभी जिस तरह जब जब भाई फोन खोल रहा है तो दो चार सब्सक्राइबर भाई को दिख ही रहे हैं बढ़ते हुए, तो कसम से पता नहीं कैसे, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है ना कसम से बहुत खुशी हो रही है यार। मजा आ रहा नहीं? मजा आ रहा है। सुबह मतलब अभी बज रहा है 12 बजने वाला है। हाँ। तो सुबह से लगभग अभी हमारे 17 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, मतलब 17 मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी हम मतलब जिस तरीके जिस स्टेज से हमने छोटे से शुरुआत करी थी धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल अभी भी हम छोटे ही है लेकिन बस धीरे धीरे जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना अपनी, जो पहला माइलस्टोन है 1000 का उसके करीब हम पहुंचने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 व्लॉग अपलोड कर देते हैं उनमें एक दो सब्सक्राइबर घट जाते हैं लेकिन बढ़ते नहीं है, तो फिर भी हमने हार नहीं मानी है, आगे हम ऐसा करते रहेंगे। क्यों हार नहीं मानेंगे यार, हार क्या माननी है, हमको प्रोसेस में मजा आता है और प्रोसेस में मजा आना चाहिए, बाकी रिजल्ट का तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। क्यों आप लोगों के हाथ में है, जिस हिसाब से जो हमारे जोशीमठ मतलब इतने लास्ट जो सीमांत एरिया ना जोशीमठ, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर अभी तक बन के नहीं उभरा है, तो फिर भी अभी जो लोग कर रहे हैं अभी सीख रहे हैं वो लोग और काफी धीरे धीरे से उठ रहे हैं, उठ तो रहे हैं लेकिन जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करें ना मुझे लगता है कि बहुत जल्द मतलब अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे यूट्यूबर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। बिल्कुल। तो अभी इनके बारे में बताइए थोड़ा सा, ये देखिए बस बनने ही वाले साग बना दिया भाई दादी ने बहुत जबरदस्त भाई, यही तो बात है यही तो खासियत है इसकी। तो दोस्तों ये वही चीज है जो हमने उस दिन बनाई थी, वो उस दिन हमने खिचड़ी बनाई थी, आज उसकी जो कड़ी है ना वो बनी है आज। वैसे उस दिन बनाना हम यही चाह रहे थे लेकिन माने वो बना दिया क्योंकि ये मेन टाइम पे ये भी गायब हो चुका था, तो आज दादी ने बना दिया। मैं बोल रहा हूँ जब जब घर में पापा रहते हैं और इस तरह का मौसम बनता है तो पापा नई नई डिश ला ही देते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। देखेंगे शाम को हो सकता है चौलाई की रोटी बनाएंगे क्योंकि आज मम्मी भी आ जाएगी, तो शाम को इस बार एक और स्पेशल डिश बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल ये देख सकते हैं अभी फाइनल प्रोडक्ट अभी रेडी तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें फरण का तड़का लगना है जो सबसे मेन चीज है। यही चीज है दोस्तों, पुराने लोग तभी तो 100-100 साल तक नॉर्मली जिंदा रह लेते थे क्योंकि इस तरीके से जो इनका मोटा खाना था ना बिल्कुल नेचुरल, क्योंकि आप ये लगाओ ये तो एकदम से मिट्टी में ही उगता है, ये तो ऐसे नहीं कि इसमें कोई केमिकल खाद वाद वगैरह कोई जाती है, 100% नेचुरल यही चीजें खाते थे उनके पास। तो पहले तो हमारे दादी लोग कहते कि यार हमारे टाइम पे तो भोजन खाना ही नहीं था, चीनी तो हम लोग साल में एक बार खा लेते थे, तेल तो ये लगा दो किलो आ गया तो पूरा साल भर उसी को चला लेते थे, भात तो जब कभी शादी विवाह होता था तब वहाँ खाते थे। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने जिस तरीके से अपना वो जीवन बताते ना वो लोग, रियली में यार हम लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज से जो 50 साल पहले का जो हमारे गांव का जो रहा होगा ना कि गांव में किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से लोग खाते थे, हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल यही चीज थी, इन्हीं चीजों को खाते थे। अब तो चलो हम इसमें मसाले वगैरह डाल रहे हैं, वो लोग तो केवल नमक डालते थे इसमें, उस टाइम पे ना ये मजबूरन खाते थे, मजबूरी में ये खाते थे क्योंकि कुछ था नहीं, और अब हम इस चीज के लिए मरते हैं, अब हमको ये चीज नसीब नहीं है, है कि नहीं? अरे बिल्कुल यार।
तो दोस्तों अभी खाना पीना हो चुका है। फर्स्ट बार अपने जीवन में पहली बार आज मैंने कनौ का साग खाया, बहुत गजब का था, बहुत गजब का एक्सपीरियंस था। और शाम को आज हम चूहे की जो रोटी होती है, चौलाई की जो रोटी है, वो बनाने वाले हैं। तो एक ही दिन में अपने पहाड़ की दो डिफरेंट डिफरेंट डिशेज आज हम बनाने वाले हैं। एक बन चुकी है, खा भी दिया है और बहुत मज़ा भी आ चुका है। तो शाम को फिर एक नई डिश बनाने वाले हैं, रोटी बनाने वाले हैं चौलाई की, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। तो नानी दूध बनाओ, जल्दी बनाओ, दूध बनाओ। यहाँ मत बोल, इधर बोल, इधर इधर नानी को इधर बोल। नानी दूध बना, पहले चाय पियेंगे। बोल नहीं, दूध दूध बनाओ, दूध बनाओ, पहले चाय पियेंगे। नहीं दूध, अच्छा मुझे बोलिए। अच्छा तो दोस्तों अभी हमारी माताजी भी पहुंच चुकी है, और माताजी के साथ साथ हमारी सिस्टर की, हमारी दीदी की सबसे बड़ी वाली लड़की भी पहुंच चुकी है, हमारी भांजी, हमारी भांजी, हमारी सबसे प्यारी भांजी अन्वी। हाय अन्ना, अन्ना अन्वी, मम्मी भी देख रही होगी दीदी वीडियो। हाय मम्मी कर दे। हाय मम्मी बोल। हाय मम्मी। तो गाइस कसम से इतना ढोंगी बाला है ना हमारा ये फिक्रू, मतलब हर रोज इतना जल्दी घर आ जाता है ना, क्योंकि आजकल हम गायों के साथ जाते हैं नहीं, लगाए हुए रहते हैं। तो जब गायें आती है तो उनके साथ घर आ जाता है। तो आज आधा घंटा हो गया, एक घंटा होने वाला है, अभी ये नहीं पहुंचा। तो हमको इतना ज्यादा डर लग चुका था, हमने कहा भाई कहीं पत्थर पुत्थर लग गया होगा या कहीं फिसल गया होगा भाई साहब। और यहाँ रखा है जहाँ पहले हमारा, मतलब जहाँ पहले हमारी गौशाला थी वहाँ रखा था ये। तो कसम से इतनी ज़्यादा आफत गड़ा दी ना इसने, शैलेश भाई भी उसको ढूंढने के लिए जा रहा। तो शैलेश भाई ने भी फ़ोन किया कि एक जहाँ पे हमारा पुराना गौशाला था वहाँ पे हमारा ये बाला है। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा ना, मतलब यहाँ पे जहाँ हमारी गौशाला है, तो वैसे इतनी ज़्यादा आवाज़ करी उसने और दौड़ दौड़ के मेरे पे आया, क्योंकि उसको शायद वो रास्ता भूल चुका था यहाँ पे। उसको पता नहीं, उसको ये पता था कि पहले मैं यहाँ पे आ रखा, लेकिन यहाँ से उसको जहाँ हमारा मेन घर है वहाँ का रास्ता पता नहीं था। ये बकरी है, लेकिन इसको, मतलब ये बकरियां पहचानता ही नहीं, इसको पता ही नहीं कि मैं किस कैटेगरी का जानवर हूँ। इसको केवल हमारी गायों से मतलब है और हमसे मतलब है। दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि आज हम शाम को चौलाई की रोटी बनाने वाले हैं। तो दादी जी अभी हमारे यहाँ पे चौलाई का आटा गूंद रही है, क्योंकि दादी जी आटा गूंदने की बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। तो आटा गूंदने का जो काम है वो हमारी दादी जी को दिया गया है, उसके बाद रोटी बनाएगी हमारी माता जी। तो ये रहा चौलाई का आटा। ये देखो ना, बहुत टाइट आटा रहता है ये वाला, और इनको बनाने का तरीका भी अलग रहता है और रखने का तरीका भी अलग रहता है। और रोटियों से ये दो यहाँ पे खेल कर रहे हैं, इन दोनों का पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो देख सकते हैं माने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है, चौलाई की रोटी, और इस तरह से बनती है। ये देखिए, ये है चौलाई की रोटी दोस्तों, ये है चौलाई की रोटी। ये तो छोटा ही है मेरे साथ में रहा है। इसकी मोटाई, इसकी लंबाई, मोटाई तो इसकी ठीक है, लेकिन मैं आज बार तो जट छोट के मोड़ी। अरे मोड़ पीस में जाने। अच्छा तो ये देख सकते हैं रोटियां, और मैं एक बाइट ले लेता हूँ। ये रोटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, पहाड़ में मिलेगी माँ बोल रही है, और पहाड़ में नहीं मिलेगी तो हमारे घर में मिली जाएगी। तो आइए कभी साथ में खाएंगे। ठीक है मुझे। कैसी हो रही? पता है ये चौलाई की रोटी सबसे बढ़िया होती है चाय में, वो भी कौन सी, बासी रोटी। जैसे सुबह जो भी बासी रोटी बसती है ना, उसको चाय में भिगो करके खाने में जो मजा है। और हमारी एक छोटी एक्सपर्ट भांजी है, लगी है यहाँ पे रोटी बनाने में, लगी हुई है। और ये वाला आटा ना चिपकता बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइट है अभी, तो पड़थन लगा करके, आटा लगा करके उतना ज्यादा नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दादी की नकल कर रही है, दादी यहाँ पे आटा गूंद रही है। तो दादी की नकल करते हुए हमारी छोटी सी भांजी भी आटा गूंदती हुई, छोटी सी भांजी का छोटा सा डिन्ना। अनु क्या कर रही, क्या कर रही यानी कितनी औसम है यार। तो इसकी आदत है, ये खाना बहुत कम खाती है। तो लेकिन शैलेश भाई के संपर्क में जब रहती है तो पेट भर के खाती है। ये अपनी मर्यादा शायद भूल चुका है। ओए ओ कुत्ता भाई, एक मीटर की दूरी में रह, जैसे यहाँ पे ये है ना, तो एक मीटर दूर रह तू यहाँ से, चल जहाँ पे तेरी निर्धारित जगह है इधर रह, यहाँ पे साले चूल्हे पे आ रहा सीधे यहाँ पे रह, यूं रहो।
तो दोस्तों फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता है। क्या आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और मजेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।